गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ क्लास फर्स्ट इंग्लिश। और आज हमारा जो चैप्टर 11 है उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स यूज़ ग्रामर। चलो ग्रामर का यूज़ करते हैं। द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। देखो आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं। वैसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर देना होता है। यहाँ पे आंसर हैं, हमको क्या करना है, बिलो यानी नीचे दिए गए हैं। आस्क अ क्वेश्चन टू गेट ईच आंसर। आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आंसर का क्वेश्चन पूछना है। एग्जांपल देखो, यस द फार्मर हैज़ अ राइस फील्ड। हाँ, फार्मर का राइस फील्ड है। हैज़ द फार्मर अ राइस फील्ड, क्या फार्मर के पास राइस फील्ड है? राइस फील्ड यानी चावल का खेत है। वन, यस आई हैव अ पिंक ड्रेस। हाँ, मेरे पास पिंक ड्रेस है। हैव आई अ पिंक ड्रेस, क्या मेरे पास पिंक ड्रेस है? टू, नो द डॉक्टर हैज़ अ बिग कार। ना, डॉक्टर के पास बिग कार है। हैज़ द डॉक्टर अ स्मॉल कार, क्या डॉक्टर के पास स्मॉल कार है? नो, द डॉक्टर हैज़ अ बिग कार। थ्री, यस द नर्स हैज़ अ बाइसिकल। हाँ, नर्स के पास बाइसिकल, साइकिल है। हैज़ द नर्स अ बाइसिकल, क्या नर्स के पास बाइसिकल है? फोर, यस द मिल्कमैन हैव हेल्दी काउस। हाँ, मिल्कमैन के पास हेल्दी काउस हैं। हैव द मिल्कमैन हेल्दी काउस, क्या मिल्कमैन के पास हेल्दी काउस हैं? फाइव, यस द चिल्ड्रन हैव काइट्स एंड मार्बल्स। हाँ, चिल्ड्रन के पास काइट्स एंड मार्बल्स हैं। हैव द चिल्ड्रन काइट्स एंड मार्बल्स, क्या चिल्ड्रन के पास काइट्स यानी पतंग और मार्बल्स यानी जो खेलने की गोलियां आती हैं वो हैं? तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए इट इज़ कंपलसरी। ओके, और हैव ने हैज में, हैव और हैज में क्या है कि आपके पास कुछ है, मालिकी है आपके पास है, इसको बताना हो तो हैव और हैज आता है। पिछली बार मैंने बताया कि हैव कहाँ पे लगता है और हैज कहाँ पे लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स एनरिच अवर वर्ड स्टोर। चलो हमारा वर्ड स्टोर बढ़ाते हैं। मैच वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड हैं मैच करो। ऑपोजिट यानी उल्टा, विरोध, विरोधी। मीनिंग यानी अर्थ, उल्टे अर्थ का होते हैं। ठीक है, जैसे थिक यानी मोटा, थिन यानी पतला, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी थोड़ा नज़दीक भी बोल सकते हैं और कम लेंथ का भी बोल सकते हैं। ठीक है, हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा, हैप्पी यानी खुश, सैड यानी दुखी। नाउ यूज़ द अबो पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिलो। अभी ऊपर वाले जो पैर हैं इनको ब्लैंक्स में, पैर यानी जोड़ियाँ, पैर यानी हमारे फुट वाले पैर नहीं, मगर जोड़ी को ब्लैंक्स में भरो। वन, द हॉर्स हैज़ अ लॉन्ग टेल। हॉर्स की लंबी टेल होती है, लंबी पूंछ होती है। द कैमल हैज़ अ शॉर्ट वन, कैमल की शॉर्ट होती है, छोटी होती है। ठीक है, कार्डबोर्ड इज़ थिक, कार्डबोर्ड थिक होता है, मोटा होता है। काइट पेपर इज थिन, काइट का पेपर होता है, पतंग का पेपर पतला होता है। अ हट इज स्मॉल, हट स्मॉल होती है। अ हाउस इज बिग, हाउस बड़ा होता है। द सन इज हॉट, सन गर्म होता है। द मून इज कॉल्ड, मून ठंडा होता है। टुडे इज मालास बर्थडे, शी इज हैप्पी, आज माला का बर्थडे है, वो आज खुश है। राज पपी सिक, राज का पपी सिक है, बीमार है। ही इज सैड, वो दुखी है। नेक्स्ट पेज, वर्ड गेम।
मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस, हर एक में से टू वर्ड्स बनाओ, जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं उन्हीं उनमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनमें से टू वर्ड्स बनाओ. यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द वर्ड बट डोंट ऐड एनी लेटर. देखो आप जो इसमें लेटर दिए गए हैं ये लेटर हैं, ठीक है, डी ई वगैरह लेटर कहे जाते हैं, ए बी सी डी लेटर कहे जाते हैं. उसमें आप ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जैसे लिखे हैं उनमें बदलाव कर सकते हो, मगर नया ऐड नहीं कर सकते, इन्हीं में से बनाना होता है. ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट में से क्या बना, सेट, एस ई टी है ना, तो सेट बनाया, फिर सी बनाया, एस डबल ई सी बना, ठीक है, तो ये हो सकता है. ठीक है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, सेट यानी सेट करना, सी यानी देखना, मैन यानी लायन की होती है, ठीक है, मैन यानी आदमी, और नेम, ठीक है, एन ए एम ई, नेम यानी नाम, स्टमक, स्टमक यानी पेट, मैच यानी मैच, कोट, ठीक है, थॉर्न्स, थॉर्न्स यानी कांटे, हॉर्न, सिंह, सन, एस ओ एन, सन यानी बेटा, तो हुआ ना. तो इसमें क्या है, जो ये लेटर्स हैं उनमें से वर्ड्स नए नए बनाने चाहिए, मगर इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जैसे लिखा गया है उसको आगे पीछे कैसे भी सेट कर सकते हो, मगर ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, आगे देखो, लेट्स पंक्चुएट, चलो पंक्चुएट करते हैं, पुट अ फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, तो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं. पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, और या क्वेश्चन मार्क रखो, एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के एंड में, ठीक है. पंक्चुएट यानी अच्छी तरह से लिखना, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. फुल स्टॉप कहाँ आता है, जब हम कुछ कहते हैं तो फुल स्टॉप आता है. क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, हम जब पूछते हैं किसी को तो क्वेश्चन मार्क आता है. वन, वेयर इज योर फ्रेंड, तो क्वेश्चन मार्क आया. टू, येलो मैंगोस आर स्वीट, यहाँ पे हमने कुछ बताया है, तो जो यहाँ पे वेयर इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहाँ है, क्वेश्चन है. येलो मैंगोस आर स्वीट, येलो मैंगोस स्वीट होते हैं, तो फुल स्टॉप है, क्योंकि हमने बताया है, कुछ विधान है, ये स्टेटमेंट है. माई मदर इज़ राइटिंग अ लेटर, मेरी मम्मी लेटर लिख रही हैं, पत्र लिख रही हैं, तो स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप. आई हैव अ न्यू बैट, मेरे पास नया बैट है, फुल स्टॉप. आर दोस बॉयज स्विमिंग, क्या वे बॉयज लड़के हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है. तो इस तरह से फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आता है, ये फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, कुछ बताते हैं बराबर आंसर देते हैं तो ये फुल स्टॉप आता है, ठीक है. अभी लेट्स राइट, चलो ये आखिरी है क्वेश्चन, और चैप्टर भी पूरा होगा और सिलेबस भी. लेट्स राइट, फील इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब अ कैमल एंड अ जिराफ, ब्लैंक्स में भरो, ठीक है, फील इन द ब्लैंक्स, पूर्ण करो ब्लैंक्स, कैमल और जिराफ के बारे में बताते हुए. अ कैमल हैज़ पैडेड फीट, कैमल के पैडेड फीट होते हैं. इट हैज़ अ हम्प, उसकी एक हम्प होती है. इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प, वो अपनी हम्प में खाना स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है. इट ऑल्सो हैज़ अ बिग स्टमक, उसके पास एक बड़ा सा पेट भी होता है. इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम, वो ड्रिंक कर सकता है, कैन यानी कर सकता है, बहुत सारा पानी एक साथ पी सकता है. द कैमल लिव्स ऑन सैंड, कैमल है सैंड पे रहता है, रेत पर रहता है. इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, वो क्या कहलाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है. द जिराफ हैज़ अ बिग बॉडी, जिराफ की बॉडी, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है. इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, उसकी नेक है जो गर्दन बहुत लंबी होती है. इट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग लेग्स, उसके पैर भी बहुत लंबे होते हैं.
इट लव्स टू ईट लीव्स, उसको लीव्स, लीफ, लीफ का प्लूरल लीफ यानी पत्ता, पेड़ का पत्ता, ठीक है, उसका प्लूरल होता है, बहुवचन लीव्स होता है। इट लव्स टू ईट लीव्स, उसको पत्ते खाना बहुत अच्छा लगता है। द जिराफ लीव्स इन द फॉरेस्ट, जिराफ है वो फॉरेस्ट यानी जंगल में रहता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, वीडियो ऑल्सो एंड सिलेबस ऑल्सो। गुड बाय।